हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुधांशु मिश्रा और मैं आप सबका वेलकम करता हूं अपने चैनल पाइथन कोडर्स में। हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हम लोग आइडेंटिटी ऑपरेटर की। और देन हम लोग प्रीवियस वीडियोस में काफ़ी सारे ऑपरेटर्स की बात कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियोस नहीं देखे हैं तो हम लोगों के पाइथन की प्लेलिस्ट को एक्सेस करें और इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करें। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर की। सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। आइडेंटिटी बताता है अस्तित्व को। आइडेंटिटी मतलब हम लोग चेक क्या करना चाहते हैं। बेसिकली ये समझते हैं कि हम लोग दो वैल्यूज सपोज हमारे पास हैं, एक ए है एक बी है, और हम लोग चेक करना चाहते हैं कि क्या ये ए और बी सेम है कि नहीं है। मतलब ये हमको ट्रू देगा अगर दो की आइडेंटिटी सेम होगी, अदरवाइज फॉल्स दे देगा। तो यहाँ पे हमको कौन कौन सा ऑपरेटर मिलता है, इज नॉट। क्या ये दो जो ऑपरेंड आप लोगों के पास हैं वो दो मतलब आइडेंटिटी उनकी जो मतलब कोई दो वैल्यूज हम लोगों के पास हैं उन दोनों की आइडेंटिटी सेम है। अगर इज लगाएंगे सेम है चेक करने के लिए, इज नॉट लगाएंगे सेम नहीं है चेक करने के लिए। तो इज वाली हमको ट्रू कब देगी, रिटर्न्स ट्रू इफ आइडेंटिटी ऑफ टू ऑपरेंड आर सेम, एल्स फॉल्स। मतलब दो ऑपरेंड की जो आइडेंटिटी है वो अगर सेम होगी तभी यह ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स दे देगा। इज नॉट मतलब इसका रिवर्स हो जाएगा, एक दो अगर आइडेंटिटी सेम नहीं होगी तब ये ट्रू देगा, अगर आइडेंटिटी सेम हो जाएगी तो ये फॉल्स दे देगा। इसके लिए भी हम लोगों के पास एक कोड लिखा हुआ है, इससे हम लोग समझते हैं। हमने एक वेरिएबल लिया, बी एक वेरिएबल लिया, दोनों की वैल्यू 20 20। तो अब हम चेक करते हैं इफ ए इज बी, क्या ए और बी दोनों सेम आइडेंटिटी है, मतलब दोनों की जो वैल्यू है वो सेम है। तो प्रिंट क्या करेंगे, ए बी हैव सेम आइडेंटिटी, एल्स ये। तो यहाँ पे क्या ये कंडीशन ट्रू होगी कि फॉल्स होगी, तो ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमको ये आउटपुट मिलेगा। तो देखिए आउटपुट मिल रहा है ए बी हैव सेम आइडेंटिटी। देन हम लोग बी के लिए भी चेक कर रहे हैं, लेकिन दूसरा ऑपरेटर कि ए इज नॉट बी, मतलब ए और बी की आइडेंटिटी सेम नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगी कंडीशन, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो एग्जीक्यूट क्या होगा, एल्स वाली कंडीशन कि ए बी हैव सेम आइडेंटिटी। तो हमको सेकेंड में भी यही आउटपुट मिला। तो उम्मीद है आप लोगों को ये आइडेंटिटी ऑपरेटर भी समझ में आया होगा कि हम लोग दो ऑपरेंड की या दो वैल्यूज़ की, दो वेरिएबल्स की आइडेंटिटी चेक करते हैं कि उन दोनों ने जो वैल्यू होल्ड कर रखी है क्या वो सेम है या फिर दोनों डिफरेंट हैं। बस इतनी सी चीज़ हम लोगों को चेक करने के लिए ये ऑपरेटर पाइथन में मिला हुआ। अब हम लोग लास्ट ऑपरेटर जो देखेंगे वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। देन हम लोगों का ऑपरेटर्स का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा और देन इनकी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे अपने आगे आने वाली वीडियोज़ में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो इनको चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को आगे ग्रो करने में मदद कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।